अब हम उपस्थित हुए हैं आदिवरा मंदिर में। यह मंदिर मथुरा के पुराने इलाके में बसा है और यहाँ पर भगवान वराहदेव के प्राचीन ऐतिहासिक विग्रह की पूजा की जाती है। कहा जाता है ये वही विग्रह है जिसे भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न को स्वयं भगवान राम जी ने दिया था मथुरा में स्थापित करने के लिए। इस मंदिर का मूल विग्रह काले पत्थर से बना है जो लाल रंग का दिखता है। सतयुग में भगवान कपिल मुनि इसी आदि वराहदेव की पूजा किया करते थे जो उन्हें भगवान ब्रह्मदेव से प्राप्त हुआ था। उसके कुछ समय बाद देवताओं के राजा इंद्र आदि वराहदेव के विग्रह को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं जहां वे अपने महल में स्थापित कर इनकी सेवा पूजा करते हैं। स्वर्ग में रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रदेव को हरा कर वही विग्रह को स्वर्ग से अपने साथ लंका लेके जाते हैं। लंका पर जब भगवान श्री राम ने चढ़ाई कर दी और रावण को हरा दिया, उसके बाद रावण के छोटे भाई विभीषण ने वही विग्रह को भगवान श्री राम को उपहार स्वरूप दिया। भगवान श्री राम अपने साथ यही वराहदेव के विग्रह को अयोध्या लेकर आते हैं। मथुरा में जब लवनासुर राक्षस का प्रकोप बढ़ा तब भगवान श्री राम ने अपने भाई शत्रुघ्न को इसी वराहदेव के विग्रह के साथ मथुरा भेजा और उन्हें निर्देश दिया कि लवनासुर का वध करने के बाद वराहदेव का पुनर्स्थापना मथुरा में किया जाए क्योंकि मथुरा वराहदेव का प्राचीन स्थान है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान वराहदेव का आविर्भाव ब्रह्मा जी के नासिका से स्वयंभू मन्वंतर में हुआ था और फिर वे धरती माता को पाताल लोक के निचले क्षेत्र से उद्धार किए थे। ये आदि वराहदेव मथुरा के अधिष्ठात्री देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वराहदेव और उनकी पत्नी भूमि देवी ब्रजमंडल के कमल की दक्षिण पंखुरी पर स्थित शकोरी वटेश्वर नामक स्थान पर सदा निवास करते हैं। संस्कृत में शकोरी अर्थात सुअर होता है और वटेश्वर भगवान वराहदेव के आध्यात्मिक निवास स्थान का नाम है। आप जब भी मथुरा मंडल आए भगवान आदि वराहदेव का दर्शन अवश्य करें। जय जय भगवान वराहदेव की जय। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम।